नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए मार्च 2016 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल जो है वो शनि महाराज के साथ चल रहे हैं लगन में, यानी चंद्र के ऊपर शनि और मंगल का जो भ्रमण है आपको आपकी टेम्परनेस बढ़ाने वाले हैं। तो आपको आपकी टेम्परनेस पर कंट्रोल करना होगा, खास करके यदि आप मैरिड हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपको विशेष केयर करना होगा। यदि आप का जो बिजनेस में पार्टनरशिप है तो भी पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य जो है वो चल रहे राशि से चतुर्थ स्थान के अंदर 14 मार्च 2016 तक राशि से चतुर्थ स्थान के अंदर सूर्य का भ्रमण शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है वो सुख स्थान है। माता एवं पिता के साथ रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, उसका भी आपको विशेष केयर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं है और नया मकान वाहन कुछ भी लेना उचित नहीं है 14 मार्च 2016 तक चौथे सूर्य चलते हुए। यदि आपको कुछ भी प्रॉपर्टी डीलिंग करना है तो 14 मार्च 2016 के बाद कर सकते हैं। 14 मार्च 2016 के बाद सूर्य चलेंगे राशि से पंचम स्थान में। तो पंचम स्थान में भी सूर्य का भ्रमण ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। जो भी जातक शेयर बाजार सट्टा लॉटरी रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं उनको अपने कार्य के अंदर विशेष केयर करना होगा। संतानों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए, मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए, इसका केयर करना होगा। और माइनर डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे लव मैटर के अंदर। बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र जो है वो चलेंगे आपके पराक्रम स्थान में, जो आपको नए साहस करवाने वाले हैं। हालांकि शुक्र का जो ये भ्रमण है वो 7 मार्च 2016 तक है। 7 मार्च के बाद शुक्र चलेंगे राशि से चतुर्थ स्थान में, जो कि आपके लिए शुभ बनने वाले हैं। नए मकान वाहन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य आप कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए जो समय उचित रहेगा वो 14 मार्च के बाद हैं। खास करके आपको डेट्स केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 15, 16 और 17, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन के चंद्र जो हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्रम में केयर करना है और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। यदि आपके कोई मित्र हैं वृश्चिक राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करिए चैनल, कमेंट्स करिए चैनल पर, कमेंट्स करिए वीडियो पर। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।